बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है। हमारे फिल्म के कोई भी पात्र किसी भी प्रकार से बाल विवाह का समर्थन नहीं करते हैं। फिल्म के निर्माता किसी भी जात, धर्म या समुदाय की भावनाओं को आहत करने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। फिल्म में जाति विशेष का नाम केवल उनकी समस्याओं को सामने रखने के लिए लिया है, ना कि किसी और उद्देश्य से। फिल्म के निर्माण के दौरान किसी भी पशु या पक्षी को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। भैया ओ भैया मजदूर भैया, हम तो बनल किसान कि हमर बेटा भूखले सुते हो राम। हल हम जोतिला अन उपजाविला, अनवा से भरल है गोदाम, अनवा से भरल है गोदाम कि हमर बेटा भूखले सुते हो राम। भैया ओ भैया मजदूर भैया, हम तो बनल किसान कि हमर बेटा भूखले सुते हो राम। भैया ओ भैया मजदूर भैया, हम तो बनल किसान कि हमर बेटा भूखले सुते हो राम। हल हम जोतिला अनऊ बजाविला, अनवा से भरले गोदाम कि हमर बेटा भूखले। एक बार और मिलेगा का? हट, बेटी के ब्याह के लिए आए हैं। अगला हो गया क्या? यही से ज्यादा लिए। ब्याह में 40 लोग आएगा हमरा। ठाकुर साहब के यहाँ काम करते हैं, गांव में इज्जत है हमरा। ठीक, तड़िया से मन नहीं भरा। बाबू हम घरे जा रहे हैं। एगो सुअर, दू बकरी और लाइका के चांदी का चेन, ये सबका जुगाड़ हो चुका है। ब्याह में पूरी सब्जी भी रहेगा, तनिक दारू भी रहे के चाहिए। अरे भज्जू भैया करेंगे ना सब, जे बन पड़ेगा सब करेंगे। दीदी रुक रुक। हाँ बोल। बाबू तुम्हारा ब्याह का बात कर रहा है, दिमाग मत खराब कर। जतना देर काहे हो गया? हमको परीक्षा देना है, ब्याह नहीं करना। बाबू रोज रोज हमरे ब्याह का बात काहे करता है। का कहते हो, चचा को उठा दे? ना रही तो हमको भी देना पड़ेगा, हम लोग ही खाते हैं। अरे गूंगा जल्दी भूल, तुम्हारा दारू खत्म हो जाएगा। जहाँ हम ब्याह ठीक किए हैं, उनका परिवार ठाकुर साहब के यहाँ काम करता है, खाने पीने का कोनो दिक्कत नहीं होगा।
अरे आस पड़ोस के सारे लड़की का ब्याह हो गया है, खाली इकरा दिक्कत हो रहा है। हमरा नाम सुगन है, हमरा बाबू तुमरा करने गया था। हमरा नाम सुगन है। अरे का बोल रहे हो, थोड़ा स्टाइल से बोलो। ये हुआ ना बात। हाँ विश्वभान की राजकुमारी, कहाँ विश्वभान की राजकुमारी, कहाँ एगो करिया कलूत दैया, कैसन बंसिया बजावले मोहन रसिया, कैसन बंसिया बजावले मोहन रसिया। कारे मुछो सा, हमरा पीछा काय कर रहा है? हमरा नाम सुगन है, हमरा बाबू चमकू तुमरा ब्याह का बात करने गया था। हमको तोरा उसे ब्याह करना है। चेहरा देखा है? चेहरा? चेहरा में का दिक्कत है? बढ़िया लगने के लिए तो चश्मा लगा के आए हैं। हम ही से का है कहो, जीवार में वो लड़की मर गई है का? हमको पढ़ल लिखल में रह चाहिए। हमको पढ़ाई करना है, ब्याह नहीं करना। अरे ब्याह के बाद तुम्हारा पढ़ाई रुकने नहीं देंगे। नमस्ते मैडम जी, आओ बुदनी। बायोलॉजी का सैंपल पेपर पूरा कर लिए हैं। वेरी गुड। मैंने मैथ्स के भी कुछ सैंपल पेपर्स और नोट्स तुम्हारे लिए निकाल के रखे हैं, उनको भी अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है? मैडम जी बोलो। एक बात कहना था। कहो। बाबू हमारा ब्याह ठीक कर दिए हैं। परीक्षा का क्या होगा? भूत बोले तो बाबू नहीं माना। हमरा के गिलास दो। लो पियो।
हमार बेटा के ब्याह है। समधी चार गैलन ताड़ी भिजवाए हैं और बोले हैं वहां भी ताड़ी का इंतजाम होगा। जी हम फोटो सुगन के बचपन के दोस्त हैं। बहुत सुंदर लग रही हो। मन भर गया ना, अब ताड़ी मिलेगा का? देखो तुम हमको बोले हो कि स्कूल जाए से नहीं रोकोगे, इसलिए ब्याह किए हैं। अरे हम तो कहे हैं तुमको स्कूल जाने से नहीं रोकेंगे, लेकिन तुम हमको अभी काहे रोक रही हो हैं?
सुनो ना, हम पूछ रहे हैं बहू को पखाना जाने के लिए आज उठाए कि नहीं। अरे सुन रहे हो, लेता है कि पब्लिक काम करने देता है। सुगनवा, ए सुगनवा, अरे सुगनवा, अभी उठा रहे हैं तो उठ नहीं रही है, और दिन दोपहरिया कहेंगे कि पखाना जाए। अरे चमकू, भैया ठीक हो गया? जी मालिक, सब आपका ही आशीर्वाद है। समझी कुछ खिलाए पिलाए कि नहीं? खिलवे का तो मालिक पूरी सब्जी खिलाया गया, लेकिन छोटे मालिक के ब्याह में जो कटहर का तरकारी और पूरी सब्जी खिलाया गया था वो बात नहीं था मालिक। अरे ऐसे काहे सोचता है चमकू, लड़की का बाप जो भी प्रेम से खिलाता है सब ही अच्छा होता है। चलो कल से नहर का काम शुरू करो। ऐसे टुकुर टुकुर का देख रहे हो? हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो के भी सब काम करती हो। तो अब कैसे विश्वास होगा? पता नहीं, हमको ऐसे निहारते मत रहो, कुल आ जाता है। अरे हम निहारे काहे नहीं, तुमसे मेरा ब्याह हुआ है, हम नहीं निहारे तो कौन निहारेगा? हमने कहा कि छोटे मालिक के ब्याह में जो कटहर का तरकारी खिलाया गया था वो बात नहीं था। इसको पेखाना पेशाब भी लगता है कि नहीं? ठाकुर साहब के यहाँ लोग कम पड़ गया है, हम खेतों में काम करते हैं और भैंसों चरा रहे हैं। अब सुगना के बोल कि काम पर आए। ठाकुर साहब पूछ रहे थे, सुन रही है ना? कहते हैं सच्चा प्रेम रुस्वा नहीं होता, उसमें बेवफाई नहीं होती। ऐसे काम धंधा छोड़ के हमको कहाँ निहारते रहते हो? अरे एकदम तुम्हारे खातिर घरे बैठे हैं और तुम कह रहे हो काम धंधा छोड़ के काहे बैठे हैं? अच्छा, हमरी इतनी फिक्र है तो हमसे ये का ही नहीं पूछे कि हम 2 दिन से पखाना भी गए हैं या नहीं। काहे, माई तो आई होगी ना भोरे उठाने जब वो जाती है बाहर। तुमको क्या लगता है
ससुराल में अभी हम किसी को ठीक से जाने भी नहीं है, और इसमें बाहर पखाना करने चले जाएं। अरे तो हमारे घर में पैखाना कहाँ है, सब तो बाहर ही जाते हैं ना, ये में कौन सी बड़ी बात है। और अगर बाहर नहीं जाओगी तो कहाँ जाओगी। तुम बताओ कैसे जाएं, हमको बस बाहर नहीं जाना। कहाँ सुगन भाई, बहुत दिन बाद दिख रहे हो। चश्मे में बड़ा स्मार्ट लग रहे हो, और ये मटकी लेके कहाँ जा रहे हो। अरे कुछ नहीं, बस दही जमाना। लगता है दहेजू बकरी कुछ ज्यादा दूध दे रही है। खाली मेहरारुए के खातिरदारी करोगे कि हम लोगों का भी। अरे करेंगे करेंगे, दम धरिए, सब होगा। अरे तो बैठी ना, आते हैं। अरे सुगन बैठो ना। मटकी में कहाँ है। अरे माई वो बुदनी पखाना गई थी, वे फेंके जा रहे। भोर में उठाते हैं तो उठती नहीं है, और अब मटकी में पखाना जाएंगे। अरे माई अभी नई है ना, दो चार दिन में आसपास के लोगों के जान जाएगी तो बाहर चली जाएगी। और मटकी में पखाना। देखो हमारे घर में भोरी आई है, और सबके घर में नहीं आई है का कभी। दिन भर मेहरारू में घुसल रहो, इसको कई दिनों से देख रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो इसको लग रहा है कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जेवाल धूप में से बैठना है भाई। तोरे बाप है हमारा आमखोर, मोग मेरा हो गया है, धंधा छोड़ के बैठी गया मेहरारू की सड़िया में बस। अरे उदास कहा है रे। का बताए मालिक, बेटा के ब्याह किए तो काम धंधा छोड़ के घरे पर बैठ गया, और बोरिया को मटकी में हगाता। अरे दिन में ही पी लिया का। नहीं मालिक, हमारा तो मथवे काम नहीं कर रहा है, मन कर रहा है जहर खा ले। गजबे करते हैं आप, अब आप अछूत सबसे पैर दबाना शुरू कर दीजिए। मालिक तुम खेत पे काम पे जा। कहाँ रे, आज फिर दोगो मटकी, कितना दूध दही खा रहा है। अरे तुम लोग ऐसा बात कहोगे तो कहाँ बोले। तनिक हम लोगों पर भी ध्यान दे दिया करो। चला दाल में जरूर कुछ खा ला। इतना मटकी करता क्या है।
सुगन आजकल मटकी महक रहेगा। नहीं, वो हमरे साथ जाता है। चाचा चाची तो बाहर जाते देखा हूँ। तो फिर का अपने मेहरारू मटकी मंगा रहा है? का बोल रहे हो, नहीं खेलना है, हमेशा भौजी को ले आते हो बीच में। अरे तो गुस्सा कहाँ हो रहा है? गुस्सा नहीं करे तो और क्या करे? अरे वो तुम्हारा दोस्त है तो हमको लगा तुमसे पूछ ले। मुझसे पूछ लो। अरे तो सुनो। नहीं सुनना है। आजा भाई तू। अरे जाए दो बैठो, हर समय गुस्सा। सुगन एक बात सुनने आया है। का? सुने है कि भौजी मटकी में पखाना जाती है। तुमको कौन बोला रही इससे बात? जासूसी कर रहा हमरा तुम? अरे हम कहा जासूसी करेंगे, बाबन मां उसका साथी बोल रहा था, हमसे झगड़ा भी हो गया है। का बोलते रहते हैं? अरे मटकी हम ही ले आए थे, वो पढ़ल लिखल है ना, अरे गांव में अभी नई नई भी है, दो चार दिन में आसपास के लोगों के जान जाएगी तो बाहर चली जाएगी। तो तुम एकदम गोल बना रही हो। सुनो मैडम जी, जो हमें सैंपल पेपर दिए थे हम बना लिए, तो हमको एक बार स्कूल जाना पड़ेगा उनसे मिलने, पर परीक्षा भी आ रहा है। बाबू से एक बार बात कर लेते हैं। मैं चलूंगा। मिलना भी है तो अगला महीना मैट्रिक परीक्षा है, तो उसको स्कूल जाए दे। साला सुअर का बच्चा, हमको लग रहा था कि तुम मेहरारू की सड़िया में घुस के जरूर कौन और खिचड़ी पका रहा होगा। पहले पढ़े लिखे लड़की से ब्याह किया, फिर वो का मटकी में हगाया, अब कहता है कि स्कूल जाएगी। स्कूल जाएगी तो काम क्या करेगा हैं? क्या करेगा काम? तुमने आज हमको बहुत ही दिन बाद मारा, इसके लिए कोनो बात नहीं है, लेकिन बाबू ये तो तुमको पता है, पढ़ा लिखा लोग मजदूरी करने से कहीं ज्यादा कमाते हैं। पढ़ लिख के अगर वो कमाएगी तो पैसा अपने ना घर में आएगा बाबू। हमको उतना सब समझ में नहीं आता, हम बस इतना जानते हैं कि हमारा बाबू को ठाकुर साहब बसाए थे। हमारा बाबू, हमारा माई ठाकुर साहब के यहाँ सेवा करते करते मर गया। अगर तुमको लगता है पढ़े लिखल से कुछ हो जाए तो इस बारे में ठाकुर साहब से बात करते हैं। क्या रे सुगना, सब ठीक है? सब ठीक है मालिक, कुछ ठीक नहीं मालिक, कर दिमाग में भूसा भर गया है।
कह रहा है कि बौरिया स्कूल जाएगी पढ़ने। हमको नहीं समझ आता कि पढ़ लिख के कोई क्या कर लेगा मालिक। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज बुधनी। इसे स्कूल भेज दे, एक दिन पूरे परिवार का नाम रोशन करेगी। ठीक है सुखना? ठीक है। ए चंकू, एने आ। सो गया बाबू का काम। अरे सवेरे सवेरे तड़िया के इंतजाम मंडली जमा दी है, तुम्हारे लिए व्यवस्था कर रखी है। आज तक इस गांव में मुखिया मुसर नहीं बना है। और हमारे गांव का पंचायत सीट पिछड़ा जात का है। हम सोच रहे हैं ये बार मुखिया का चुनाव लड़ लें। तो ठीक है लड़ लो, पर ये ठाकुर साहब के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है। ठीक है, ये बार मुखिया मुसर बने। हाँ? अरे मग्गा दो रे। मैं तुमसे कोई बात कहना था। कौन सा बात? ये कि हम तुम्हारा बात माने, बाबूजी और ठाकुर साहब से बात करके तुमको स्कूल भेज रहे हैं। हमारा बात मानो कि ठीक है बात करते हैं हम। अरे आराम से भाई। इवार मुखिया मुसर बनेगा। इवार मुखिया मुसर बनेगा। ये रोजे रोजे मटकी में पकाना जाना भारी पड़ रहा है। अब तुम माई के साथ बाहर जाए शुरू कर दो। ठीक है, मुसार मुखिया मुखिया मुसार बनाएगा। मालिक क्या हुआ? ये बार मुसर मुखिया बनेगा। अरे तो बन जाएगा, इसमें कौन बड़ा बात है? नहीं नहीं मालिक, बिना आपके आशीर्वाद के नहीं होगा मालिक। ये कौन कहा तुमसे? नगेसर का मालिक, वो चाहता है ये बार मुखिया में खड़ा होना मालिक। अरे कभी ऐसा हुआ है कि हमारा आशीर्वाद नहीं रहा तुम लोग पर? हैं? अभी तू घर जा, बाद में बात करते हैं। मुंशी जी मालिक, इसकी मेहरारू को बोलिए इसको घर छोड़ के आएगी। मालिक इस बार मुखिया मुसर बनेगा। मालिक मालिक इस बार मुसर मुखिया बनेगा। मालिक ठीक है। अब ठीक है। का लगा रही है? इसको लगाने से ना चेहरा गोर होता है। अच्छा, ये कहे तुम इतने खूबसूरत गए हो, तुम भी लगा ले जरा सा। हम कब मना किए हैं? तुम पकड़ोगे? ठीक है।
लगाएं। बुधनी का घर बुधनी प्रणाम अरुण जी। प्रणाम सर। अरे तुम पूरे जिला में टॉप की हो। बधाई हो। हाँ तो तुम्हारे लिए। शुक्रिया मैडम जी। तो बहुत ही खूबसूरत है। ठाकुर साहब के पास भी ऐसा ही है। चाबी है? नहीं, ये बैटरी पे चलता है। बहुत ही खूबसूरत है मैडम जी। मिठाई भी दिए। तुम खाओ, भी खा ले। तो अच्छा, बाबू को देख आए? बाबू, बुधनी पूरे जिला में फर्स्ट किया। क्या हुआ, जिला में कहाँ कर गई? तो मास्टरिन जी आई थी, मिठाई दे के गई है। मिठाई खा लो बाबू। सर,
कबो देखा रे मुसर को मिठाई खाते है। खत्म हो गया। हाँ कोई दारू दे के जाए तो कोनो बात है। चंदू कौन है? अरे तुमसे पूछ रहे हैं चमकू कौन है? हुजूर हम ही चमकू हैं, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। दो दिन पहले जो चोरी हुआ उसमें हमारा कोनो हाथ नहीं था। साला तुम लोग नो सुधरे का बुधनी को बुलाओ। हुजूर वो हमारी बहुरिया है, उसको कुछ नहीं पता, वो तो स्कूल जाती है पढ़ने। हुजूर बात कर सब कुछ तो है बताते हम तुमको। डीएम साहब बुलाए चलो। हाँ अरे साइकिल उठाओ। हाँ साइकिल उठाओ साइकिल। अच्छा चलो ये कहाँ गया? इधर बैठा ना नीचे वा। बैठ नीचे बैठ। हाँ नीचे बैठ। हाँ दिखाएगा जहाँ नीचे का। ए लड़का साइकिल जल्दी पुलिस स्टेशन लेके आओ। चलो ड्राइवर। आप लोग ऊपर बैठे। बुढ़नी तुम पहली मुशहर हो जो इस जिला में फर्स्ट किया। अब बताओ हम क्या मदद कर सकते हैं? सर हमारे घर में पखाना नहीं है, सभी बाहरे जाते हैं। हमारे घर में पखाना बनवा सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं बनवा सकते हैं। झा जी मेरे अकाउंट से बुढ़नी को 25,000 कैश दे देना, और कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमें बता देना, ठीक है? ये लो बहू को बोलो कि घर चले जाए, हम लोग आते हैं थोड़ी देर, कुछ काम। बाबू ने दिया है, तुम घर चले जाओ। चलें। रुको रुको कहाँ जा रहे हो? दारू पीना है। भाई आकर कॉलेज में बैठ जा। कहाँ दूँ तुमको? एक वो हरी और बोतल, एक वो ये, दोनों एक साथ नहीं पीते। तो एक वो दे दो। पैसा है? और क्या क्या चाहिए खाने के लिए? ये हो। अच्छा वो हो। अच्छा बस वो हो। बस तुमने जिंदगी भर काम किया और 25,000 नहीं कमा पाया। बहुरिया 2 महीने स्कूल गई और इतना पैसा ले आया।
कलेक्टर साहब हमको बुलाए, कुर्सी पर बिठाए और इनाम दिए। तुम्हारे हमको तो गिनने भी नहीं आवेगा। बाबू हाँ, तुमने हमको अगर पढ़ाया होता तो हम भी आज पैसा गिनते। हमरी बहुरिया पहला मुसहर जिला में टॉप किया। बड़का जात में कोनो बड़का काम होता है, नाच गाना होता है। तो हो जाए, पूरी तरकारी भी होनी चाहिए बाबू। हाँ मैनेजर साहब, नाच ठीक करना है। कौन सा तारीख? गांव? गांव पेंगरी। टोला? मुसा टोला। पगला गया है क्या? मुसा टोला में नाच होगा? हम पैसा देंगे पूरा। पैसा देगा तो क्या मुसा टोला में नाच करेगा? साहब हमारी बोरिया जिला में फट आई है, वह ले नाच करा रहे। मुसा टोला में एक बार नाच भेज देंगे तो हम लोगों का नाच ऊंचा जात वाला कभी बुलाएगा? सवेरे सवेरे ज्यादा बहस मत करो, निकलो यहां से जाओ। मैनेजर साहब के पास आए नाच ठीक करने के लिए, कहे कि मुझसे टोला में नाच के लिए नहीं जाएंगे। वो कहे कि हम अछूत हैं। आपके यहाँ भी तो लोग रात में ही नहाते हैं, दिन में तो अब भी अछूत ही हैं। मैनेजर साहब कह दीजिए इनसे, हम आएंगे मुसर टोली में। सुनो ना, एक तो बात बोले। बोलो। तुम बाबू से बात करो, कुछ समझाओ। डीएम साहब जो पैसा दिए हैं वो पखाने के लिए है। लगता है तुम्हारा दिमाग वह खराब हो गया। अरे गांव में तुम्हारे लिए इतना बड़ा खुशी मनाया जा रहा है और तुम न जाने कौन सा बात लेके बैठी हो। ये सबसे हम सबका नाम होगा। डीएम साहब जो पैसा दिए हैं वो पखाने के लिए है, उसे नाच गाना मत कराइए। खुला में रहते हैं, खुला में खाते हैं और ये गांव में जो सब बड़ा जात का लोग है
वो भी तो खुला में ही पखाना जाता है। फिर हम तो मुसर हैं, हम कैसे पखाना बनाएंगे? रख 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 भैया, मुसर के नाच में जाएंगे क्या? बुलाया है तो जाएंगे, हम तो कहते हैं आप भी चल पड़िए। हाँ, अब मुसर सभी बाईजी का नाचना चाहेगा, यही दिन देखने के लिए बचे थे। रात वाला दारू बचल होगा ना? याद नहीं बाबा, देखना होगा। चल जाके देख।
बाबू मिला। जल्दी लाओ, खत्म कर देते हैं। बिड़िया भी खत्म हो गया। हम भी पी ले बाबू। तुम लोगों ने जो पैसा खर्च कर दिया वो पैसा हमारा था। दीदी अंदर जाओ। हम अंदर काहे जाएं? डीएम साहब हमको पखाना बनाने के लिए पैसा दिए थे जो तुम लोगों ने नाच गाना कराकर खत्म कर दिया। यह दिन देखना बाकी रह गया था। हमारा सब बच्चा है जहाँ मर गया। तुम्हारे लिए मन्नतें मांगे हो, कैसे कैसे तुमको जिलाए बचाए। यह दिन देखने के लिए कि तोहर मेहरारू हमको ये सब सुनाएगी। समझा रहे? समझ में नहीं आ रहा है? हाँ? अंदर चल। मालिक है, तुमने माँ ही गलती करती है तो उका मारते नहीं है का? सब ठीक हो जाएगा। पता था तुम परीक्षा में बहुत अच्छा करोगे। और तुमने जो डीएम साहब को टॉयलेट बनाने के लिए कहा है, आई एम प्राउड ऑफ यू। इन लोगों ने तो अपराध किया है, इस पे पुलिस केस बनता है। ससुराल पति हमको मारा है। 4 मई में एक 2 केस। का नाम है तुम्हारा? बुद्धनी मुसहर। तुमको क्या लग रहा है हम सब लोग यहाँ बेकार का रिपोर्ट लिखाने के लिए बैठे हैं? एक तो सुबह से शाम तक तुम सब लोग दारू पीता है, बात बात पे झगड़ा करता है, मारा पीटी करता है और सोचता है यहाँ आके फैसला करा दो। जाओ जाओ, अभी जाओ, बाद में देखेंगे। बात यह है कि डीएम साहब ने जो 25,000 रुपए इसे दिए थे पखाना बनवाने के लिए, वो इसके ससुर और पति ने खर्च कर दिए। और जब इसने उनसे पूछा कि पैसे कहाँ हैं तो दोनों ने मिलकर इसे बहुत पीटा।
आप हैं तिवारी जी? जी सर। रिपोर्ट कहने लिखे इनका? सर इस बारे में जानकारी नहीं सर। कोर्ट से बहुत ऊपर चले जा रहे हैं आप लोग। 10 दिन के अंदर लिखे जवाब दीजिए, रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज हुआ है। रामजीलम जी, तिवारी जी। सॉरी सर। चमकू, कौन है चमकू? जी हुजूर। कलेक्टर का पूरा पैसा खा गया तुम? बेटा के ब्याह में सबको एगो भात तक नहीं खिला पाए थे। सब जात का लोग कोनो बड़ा बात होवे पर नाच गाना कराता। इतना बड़ा बात हो गया, कलेक्टर साहब बुला के इनाम दिए। हमारे मुसहर समाज में आज तक कोनो ने इतना बड़ा काम नहीं दिया था। पैसा मिला तो नाच कैसे नहीं करा। नाच गाना करवाते हैं बाबू के बरियाती के लिए पैसा मिला था क्या रे तुमको? ये भंजू भंजूरू कौन है? शादी कैसे कर दिया तुमने इसका? सर हमारे गांव के आस पड़ोस के ई के बराबर कोई कुंवारी नहीं रही। 18 साल से कम उम्र की लड़की का ब्याह करना कानूनन जुर्म है, तुमको नहीं मालूम है? हमको बेटी का उम्र कैसे पता चलेगा हुजूर? हमको अपने उम्र का भी पता नहीं है। तुम्हारी बेटी के स्कूल सर्टिफिकेट में क्या लिखा हुआ है उम्र? ये तो मास्टर साहब ही भरे थे। हम गुगनी जैसा मुंह लेके चला आता है, मास्टर साहब भरे थे। ये नागेश्वर कौन है? अरे तुम नेता है ना इन समाज का, 5-6 को केस लग रहा है इन पे। मेरी बात समझो तो लड़की जो कह रही हो बात मान लो और कोर्ट के बाहर ही निपटारा करो, नहीं तो हमारे कोर्ट में आओगे तो 10 साल के लिए अंदर चले जाओगे। समझ रहे हो कि नहीं? मैडम जी आप ही कोई रास्ता बताइए, नहीं तो सब खराब हो जाएगा। देखिए बुधनी की आपसे कोई दुश्मनी तो नहीं है, आप पखाना बनवा दीजिए और मना के ले आइए। मैडम जी पैसा तो सारा खर्च हो गया है, पखाना कैसे बनवाएंगे? तो बांस का ही बनवा दो। कहाँ रे चमकू? प्रणाम मालिक, आज तक आपने ही निभाया है, इस बार भी आप ही निभाएंगे मालिक। आपका हुआ। हमारा के बांस चाहिए पखाना बनाना। पखाना बनाएगा? हाँ। हगल पे हगेगा, पगलाया गया है? अरे दे असू दो जाता है, हम नहीं हकते। अब हम का कहीं मालिक, बौरिया को आप ही स्कूल भेजे तो कहे थे ना। जा ठीक है, जितना ले जाना है ले जा। खाना इतना जरूरी है, सब बर्बाद हो जाएगा, ये सब खत्म करो। तुम घर चले चलो, हम तुम्हारे लिए कच्चा पकाना बनवा देंगे अभी। भैया अब जो गलती हो गया उसे सुधारे खातिर और क्या कर सकते हैं?
अब हम तुमको जाने नहीं दूंगे। तुमसे बहुत प्यार करते हैं। सोच रहे हैं मूसर टोला में सब जगह लैट्रिन बनवा दें। पहले वो बना ले, उसके बाद में सोचते रहना। तो बांस कहाँ काट रहा है? ठाकुर साहब बोले हैं बांस काटने के लिए, हमारा के पखाना बनाना है। अच्छा, तो तुम लोग सेंट डाल के सुअर चराएगा? सीधे बैठ, ठीक है? मोटरसाइकिल पे हेलमेट लगा के चला करो, समझे? इसका क्या है? ए, चलो उठो, उठो। पूरा गांव उठा के चले आते हो तुम लोग। तो बनिया नहीं हटाओ इसका। आराम से, आराम। ताड़ी बहुत पीते हो? ना। ना। कहाँ जी, इसका रिपोर्ट कहाँ? इसके किडनी में इन्फेक्शन है। इनके पेशाब और पैखाना जांच के लिए हवाई जहाज से दिल्ली भेजना पड़ेगा। इलाज लंबा चलेगा, इसलिए पैसों का इंतजाम रखो। कब वो दिल्ली नहीं गए, कम से कम हमारा टट्टी पेशाब हवाई जहाज से भेजवा दो कुछ करके। बाबू के इलाज में 6 महीना लगेगा, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है। हम सोच रहे दिल्ली चले जाएं भुक्कन भैया के पास कमाने। हम साथ चलेंगे। भैया ओ भैया मजदूर भैया, हम तो बनल किसान कि हमर बेटा भूखले सुते हो राम। हल हम जोतिला अनऊ बजाविला, अनवा से भरल है गोदाम, अनवा से भरल है गोदाम कि हमर बेटा भूखले सुते हो राम। स्टेशन से सटले डे रहा है, निमन है।
अगर काम की बात हम कर लिए, कल सुबह से निकलना है और तुम्हारे कपड़ा भी ले आए, ठीक है? इसमें खाना कैसे बनता है? बस दो सीटी लगेगा और खिचड़ी तैयार। भौजी तो बहुत ही बढ़िया चीज है, इसको हमें भी दिला दीजिएगा। शहर में बहुत ही आराम है, यहाँ पंखा भी है। हमको तो बहुत ही पहले आ जाना था। और ना तो क्या, गांव में रखल का है, खेती में अब बात रहा नहीं। ऊपर से मौसम के मार, अब जब ठाकुर साहब के फसले नहीं होगा तो हम लोगों के गांव में मजदूरी का देंगे वो? चलो ठीक है, सो जाओ, कल सुबह उठना है। आजकल रोटी बहुत कम दे रही हो, साँझ में भूख लग जाता है। कल से दुगो रोटी ज्यादा दे देंगे। डेरा बगले में ठीक कर दिए हैं, ये जाके सब देख रेख कर देगी, सामानों खरीदने की कोनो जरूरत नहीं। ठीक है। कैसे लग रहे हैं? निमन ना? केस झाड़ लो। हाँ। हम बाहर खड़े हैं, जल्दी आ जाना। ठीक। कैसा लगा? थोड़ा बहुत तो हम ठीक करके गए थे, बाकी धीरे धीरे हो जाएगा। और यह पखाना कहाँ जाते हैं? हम तो यही रेल लाइन के आगे जाते हैं। रेल लाइन पे कहाँ? ये जो सामूहिक पखाना है ना, बहुत दूर है। पांच गो पखाने, पांच से लोग हंसने जाते हैं, बहुत गंदा भी रहता है। यही से हम तो रेल लाइन पे ही जाते हैं। हम जैसे जैसे कर रहे हैं ना, वैसे ही तुमको भी करना होगा। यहाँ लड़का लड़की आता है सब खाना खाने के लिए, तुमको उनको खाना देना होगा। मेरा हाथ का दिया खा लेंगे। अरे काहे नहीं, यहाँ जात पात कोनो नहीं देखता है, तुम बस मन लगा के काम करो, ठीक है? दिखता नहीं तुझे, मैं यहाँ खाना खा रहा हूँ, तू वहाँ उल्टी कर रही है, समझ में नहीं आता? बहुत गंदा है। गंदा है, चल बाहर चल। अरे सर भैया, ये खाना तो बन गया, लेकिन जो खुला में पिछवाड़े में हवा लगता है ना, वो बात नहीं है। दुनिया बदल रहा है, अब हमको भी ना बदलना होगा। प्रधानमंत्री ने आज स्वच्छ भारत कार्यक्रम में हमारे नालंदा जिले की मुसहर लड़की बुधनी का नाम लिया है। उसने अपने ससुराल वालों से लड़के अपने लिए शौचालय बनवाया और आज उस गांव का हर मुसहर शौचालय का इस्तेमाल करता है। रेडियो सिटी बुधनी को सलाम करता है। उनको भी चिखे नहीं, हम दूसरा पैक कर देंगे। अरे पूरा खाओ, मांस भरा है उसमें। एक मिनट, एक मिनट, चटनी के साथ खाओ।
बहुत बढ़िया है। और ये खाओ। थोड़ा सा घूमने के लिए ले जाए, साँच को चलेंगे ना तो पैक कर लेंगे। इका है? ये मम्मो है, हम जिस दुकान में काम करते हैं वहीं बनता है। अरे ऐसे नहीं, चटनी के साथ खाओ। तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ। चटनी के साथ तो हम रोटी भी खा सकते हैं। हाँ। खाओ, हम तो दिन भर खाते रहते हैं, तुम खाओ। घर ये है का? पत्रकार हैं हम। इपा बैठो। इन्ने आवा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बुधनी का नाम लिया है। बैठो, तुम बैठो। वही इंटरव्यू करने आए हैं। ए सुगन कम आई, पानी पिलाओ इनको। डीएमओ साहब बुलाए थे, इनाम दिए थे। इतना ये है अब बस। तो अंदर जा। जा। ये लो। बुलाओ ना। किसको? बुधनी को। अच्छा। ये लो पुर्ची। यह नंबर पर बात होगा। वो तो दिल्ली में। धन्यवाद। पानी तो पी लो। बोली गांव में तो आपने शौचालय बना दिया, लेकिन ये तो दिल्ली है, राजधानी है, यहाँ तो शौचालय मिला होगा। ये सरकारी शौचालय है, बहुत ही गंदे है, हम आप खाना नहीं जा पाते। तो इसका मतलब यहाँ के आपको फिर से उन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? जी नहीं, गांव में हमारे यहाँ जब खाना नहीं था तो हम बाहर ही जाते थे। वहाँ हमको चार लोग आते जाते देखता था, पर यहाँ रेल लाइन पर हमको 400 लोग रेल से देखता है। लोग कहते हैं कपड़ा उतरने से इज्जत जाता है, हम लोग तो रोज यहाँ रेल लाइन पर बेइज्जत होते हैं। ये टट्टी का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। यही हम देख रहे हैं, लेकिन ये इंटरेस्टिंग नहीं, ये त्रासदी है। शौचालय का जिक्र प्रधानमंत्री भी करते हैं और गांव से आई लड़की दिल्ली में आकर भी करती है। तो हमें लगता है अपने तरीके से करेंगे और स्टूडियो से बाहर निकल कर करेंगे इसे। शौच की व्यवस्था तो होनी चाहिए, और शायद अब ये वक्त आ गया है कि आपके इस सम्मान वाले सवाल को हम सरकार तक ले जाएं, जनता तक ले जाएं। सर, हम बस इतना जा रहे हैं कि बिना लड़े किसी को अधिकार नहीं मिलता। सही है, बिना लड़े अधिकार नहीं मिलता है, लेकिन उस रास्ते में बहुत कठिनाई होती है, मुश्किलात आते हैं। तैयार है? जी सर। Thank you.
आजादी मिली तो महात्मा गांधी ने खुले में शौच का सवाल उठाया और 70 बरस बाद वही सवाल फिर उठाया बुधनी के जरिए। बुधनी मुसहर जाति की है। मुसहर जाति समाज में हाशिए पर पड़ा आखिरी तबका। मुसहर जाति चूहा मार कर खाने वाले लोग, और ऐसे में वह दिल्ली आ पहुंची है उस जगह पे जहां से देश की नीतियां बनती हैं, रास्ते दिखाए जाते हैं। लेकिन बुधनी के दिल की आवाज क्या चिंगारी बनकर इस देश में कोई राह दिखा पाएगी? In a world where the common catchphrase is "Don't talk shit," we have a young Mushar girl who's got the world talking about literally shit. Budhani is creating a movement that is necessary, a movement for change, a movement for right to toilet. एक सांसद के घर के बाहर दिल्ली के आनंद विहार इलाके में कुछ लोगों ने शौच कर दिया, उसे शौचालय मान लिया। हमारी बिहार की बेटी बुधनी मुसहर, इसने एक नायाब तरीके का शौचालय आंदोलन शुरू किया है। और इसमें मजेदार बात यह है कि देश भर से लोग जो है हमारी बुधनी के समर्थन में आके अपने अपने जनप्रतिनिधियों के घर के सामने एक अनोखा प्रदर्शन शुरू करते हैं। इस तरह के प्रदर्शन से आप क्या साबित करना चाहती हैं? जब हम बाहर पटरी पर करते हैं तो किसी नेता को हमारी समस्या नहीं दिखती। हम चाहते हैं कि लोग अपने एमपी एमएलए के घर के बाहर शौच करें ताकि उनको हमारी समस्या दिखे। सर बुधनी के साथ तो बहुत ही बड़का बड़का लोग जुड़ गया है। उसका रोजे रोजे टीवी में अखबार में फोटो आना हमको बहुत ही डर लग रहा है। मैं डरे के क्या बात है, अरे कम से कम बुधनी को सब लोग जान तो गया, अब जो भी होगा देखा जाएगा। शौचालय आंदोलन को पूरे देश में समर्थन हम ना कहे थे? ये लड़की एक दिन नाम रोशन करेगी। अरे भैया तो हम तो इसीलिए कुछ कहते ही नहीं थे। अरे तुम बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाते हो। अरे भैया क्या कर? रेल की जाती थी, गांव याद आता है। गांव में सब कितना खुला खुला था, शहर में आके जिंदगी सिकुड़ गया। लेकिन यहाँ पैसा तो है। हाँ पर जब से ब्याह किए हमारा जिंदगी पखाने में ही फंस गया।
ईटा हम पारिला घरवा।